हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम मेडिसिन में। मैं एमडी हूँ, एक्यूमेंचर एक्यूप्रेशर सुजोक और नेचुरोपैथ का। और आज मैं आपके लिए महिलाओं के लिए, खास महिलाओं के लिए फार्मूला लाया हूँ कि जिनसे कुछ महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चेहरे के बाल, मूछों के बाल, दाढ़ी पे जिनके बाल आते हैं, उनके लिए मैं ये फार्मूला लेकर के आया हूँ जो 100% कारगर है। और ये घरेलू चीज़ों से ही आप इसका इलाज कर सकते हैं। जैसे इन सब चीज़ों में जो आपको सामान लगेगा, उसमें सबसे पहली चीज़ है अलसी। इस बीमारी का कोई इलाज है ही नहीं, जो एलोपैथी के अंदर नहीं है, होम्योपैथ के अंदर नहीं है। बस अगर इलाज है तो सिर्फ आयुर्वेद के अंदर है। आप दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, वो लेज़र ट्रीटमेंट करने की बात करेंगे, लेकिन उससे भी कोई ऐसा कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है और जब तकलीफ़ ही होती है। ये इसका बड़ा आसान सा घरेलू इलाज है। जो हार्मोन्स की गड़बड़ी हो जाती है महिलाओं के साथ में, असल में जो बाल जो आते हैं, ये पुरुषों के हार्मोन्स महिलाओं में आ जाते हैं, उसकी वजह से ये बाल आते हैं। तो इसका जो घरेलू इलाज है वो है ये, सबसे पहले अलसी। ये सब चीज़ें आपको 50-50 ग्राम लेना है। अलसी 50 ग्राम है, मेथी दाना 50 ग्राम है, जीरा 50 ग्राम है, और ये कलौंजी। और हल्दी जो आपने लेना है वो देसी हल्दी लेना है। हमारे महाराष्ट्र में इसको कांडी हल्दी बोलते हैं, और आप बाकी देश भर में किधर भी जाएंगे तो देसी हल्दी बोलिए। ये थोड़ी पतली आती है, आम हल्दी के मुकाबले थोड़ी पतली रहती है, और ये हल्दी आपको लेना है। इन सब चीज़ों को आपको मिला करके पीस लेना है बारीक, और सुबह शाम आधा आधा चम्मच इसको आपने खाना है। इसमें परहेज ये रहेगा कि जो भी चीज़ें मर्दों को ताकत देती हैं, जिस्मानी ताकत जिससे मर्दों को मिलती है, गोश्त, अंडा, मुर्गा, मछली, ये सब चीज़ों का महिलाओं को परहेज़ करना है। कभी कभार खा लिए बात अलग है, लेकिन जिनके वहाँ रोज़ मटन पकता है और मछली पकती है, वो लोग को परहेज़ करना पड़ेगा। आप अगर ये 4 महीने कंटिन्यू इसको रखेंगे तो ये जड़ से ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये तो आपका हुआ खाने का। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई ये तो घरेलू चीज़ें हैं, हम तो खाते हैं, हम हल्दी भी खाते हैं, हम जीरा भी खाते हैं, हम कलौंजी भी खाते हैं, हम मेथी दाना भी खाते हैं। आप खाते हैं लेकिन पकवान के साथ में, अलग से कभी इसको दवाई के तरह यूज़ नहीं कराए। आप इसको दवाई की तरह यूज़ करिए। 4 महीने में अगर ये आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई तो फिर आप ये यूट्यूब पे चैनल पे आकर के कमेंट कर सकते हैं। इसको 4 महीने कम से कम लगते हैं। मैं दूसरे जो लोगों की तरह नहीं बोलूँगा कि 1 दिन में ख़त्म, 2 दिन में ख़त्म। आपके हार्मोन्स सही होने में, वापस से जो पुरुषों के हार्मोन्स बने हैं उनको पूरी तरह ख़त्म होने हो करके वापस महिलाओं के हार्मोन्स पूरी तरह महिलाओं के हार्मोन्स बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। कम से कम 4 महीने का टाइम इसमें लगता है। ये चीज़ तो ही खाने की, जो सुबह शाम ये 5ों चीज़ों को आपने मिला करके बारीक पीस के आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाना है। अब इसके बाद में जो फेस पैक है, मैं उसका कुछ चीज़ें हैं आयुर्वेद की, वो आपको बतला देता हूँ। सबसे पहले ये है सुरंजान तल्ख, इसको सुरंजान भी बोलते हैं। ये पंसारी की दुकान पे मिलेगा, जो आयुर्वेदिक का सामान बेचते हैं। ये थोड़ा सा महंगा आता है, 60-1 रुपये का 50 ग्राम आपके तकरीबन आएगा सुरंजान तल्ख, ये आपको लेना है। इसके बाद में ये माजू है, माजू नाम है, पूरे देश भर में माजू के नाम से ही मिलता है, और इनकी सेल बहुत कम होती है, इसलिए थोड़े अलग ही गंदे मिट्टी में भरे हुए दिख रहे हैं। तो ये इनको थोड़ा धो करके साफ़ करके सुखा सकते हैं, या ऐसे भी पीस सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 2 चीज़ हुई, सुरंजान तल्क, माजू, फिटकरी, ये भी आसानी से मिल जाएगी किराने की दुकान पर। ये 3ों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेना है। इसके अलावा जो है ये अनारदाने का छिलका, आप चाहे तो दुकान से ख़रीद सकते हैं या फिर खुद घर के अंदर अनार के छिलकों को सुखा सकते हैं। ये 3ों चीज़ 50-50 ग्राम है, लेकिन अनारदाना का जो अनारदाना जो है छिलका अनार का, ये आपको 100 ग्राम लेना है। इनका पेस्ट बना लेना है, इनको पीस लेना है। जब आपको यूज़ करने का तरीका ऐसा है कि इनको बना करके पीस के रख लीजिए पाउडर इसका, और पाउडर बने बाद में जो महिलाएं थ्रेडिंग करती है वो थ्रेडिंग से बाल निकाले, जो वैक्स कराती है वैक्स से निकाले, कोल्ड वैक्स हो, हॉट वैक्स हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेज़र से निकले हुए बाल नहीं चलेंगे, उनकी जड़ों से उनको निकालने का जो भी तरीका है, वैक्स के ज़रिए हो, थ्रेडिंग के ज़रिए हो, जैसा भी वो करना चाहती हैं करें। उसके बाद में इसका जो पाउडर आप बना लेंगे, उसको पानी के अंदर घोल के पेस्ट बनाइए, और वो सब जगह पर रात में सोते टाइम पर कम से कम 2 से 3 घंटे लगा के रखना। इसको लगाए बाद थोड़ी तकलीफ़ होती है फिटकरी की वजह से,
लेकिन जहाँ से बाल पैदा होते हैं वो छेद पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ये भी 4 महीने ही करना है, 4 महीने ये खाना है, 4 महीने ये लगाना है। 4 महीने में अगर आपको पूरी तरह से आप नॉर्मल नहीं हुए तो फिर आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में आकर के कमेंट्स करिए, लेकिन ये 4 महीने के अंदर अंदर एकदम से पूरी तरह नॉर्मल हो जाते हैं लोग। तो ये बड़ा सा आसान सा तरीका है, बस ये थोड़ा सा, ये दो चीज़ें महंगी हैं इसके अंदर, तो ये फार्मूला बस इन दो चीज़ों की वजह से महंगा होता है। तो आप इसको इस्तेमाल करिए, बिल्कुल आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मेरी ये वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और दूसरों के साथ भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।